हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज हमारे पास सैमसंग M12 एक हैंडसेट है और अभी ये डेड कंडीशन में है। सैमसंग A12 यहाँ पे बताऊँगा तो मैं एक बार मॉडल आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं A127 और अभी ये डेड कंडीशन में है और इसमें ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो सबसे पहले एक बार चार्जिंग पोर्ट में वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना इसमें ले रहा है। तो जैसे यहाँ पे चार्जर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे बैटरी भी कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी वगैरह कनेक्ट करने के बाद 01 ऐसा आकर के यहाँ पे जा रहा है, 0.01 यहाँ पे ऐसा प्रेस करने से देख सकते हैं 01 ऐसा आकर के यहाँ पे अभी स्टेबल है। 0.6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है 0.,  बट यहाँ पर कोई ग्राफिक लाइट नहीं आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें जो पहले से काम किया हुआ है एक बार इसको देखेंगे। तो ये जो हैंडसेट ज्यादातर टेक्नीशियन डेड कर देते हैं लाइट सेक्शन रिपेयर करने में, तो यहाँ पे लाइट सेक्शन में आप देख सकते हैं काफी कुछ काम किया हुआ है। यहाँ पर से एक लोड कैप मिसिंग है और यहाँ पर भी कुछ कैपेसिटर्स मिसिंग है। तो ये इसका लाइट सेक्शन पे वर्क करने के टाइम पे हीट चला जाता है सीपीयू में और इस कारण ये हैंडसेट डेड हो जाता है। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टर भी जो है इसका ये रिप्लेस हो चुका है, ये ओरिजिनल कनेक्टर नहीं है, ये भी रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे बताना चाहूँगा तो कनेक्टर भी यहाँ पे रिसोल्ड है। तो अब हम एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर और पावर एसी के पास भी, और उसके बाद जो हमारा डीसी का वैल्यू 0.01 आ रहा था उसमें ज्यादातर सीपीयू का फॉल्ट होता है, तो हम सीपीयू भी रिवॉल्व करेंगे, एक बार फुल टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर से। तो रेड प्रोब हमेशा ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करना होता है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वीबैट की जो वैल्यू है 500 के आसपास वैल्यू आ रही है और फॉरवर्ड में चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये इसका ग्राउंड पिन होता है। चलिए पावर एसी के पास में वीपीएच चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो वीपीएच जो होता है हमेशा पावर के पास में जो कैप होते हैं यहाँ पे 350 के आसपास जी आर आ रहा है देख सकते हैं, मतलब ये लाइन्स हमारे ओके हैं। और ये जो बक कॉइल्स है हमारे ये यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू 320 300, और एक कॉइल में 18-18 उसके आसपास वैल्यू आ रही है, साथ ही साथ बीपी आ रहा है। और अगर ग्राउंड देखेंगे आप तो 0.4 मिली ओम्स यहाँ पर वैल्यू तो आ रही है। डायोड मोड में चेक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं लो जीआर आ रहा है, हो सकता है कोर की लाइन हो, एपीसी की लाइन हो। तो शॉर्टिंग तो यहाँ पे नहीं है। चलिए लाइट सेक्शन के पास चेक कर लेते हैं, ये इसका लोड कैप, डायोड कोई शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं ये जो कैपेसिटर मिसिंग है यहाँ पे भी। यहाँ पे ये हमारी VSN की लाइन होती है जिसमें हमको रेड प्रोब से चेक करेंगे तो GR मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं 600 के आसपास GR आ रहा है, ब्लैक से कोई GR नहीं आता है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये जो लाइनें देख रहे हैं ये इसकी टच की लाइनें होती है, मोसी मिसो की लाइनें। तो टच की लाइनों में भी हम एक बार GR चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तो GR आ रहा है और ये इसका ग्राउंड, यहाँ पे भी GR आ रहा है, यहाँ पे भी GR आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टच की लाइन में यहाँ पर कोई भी GR नहीं आ रहा है, मतलब CPU जो है अगर ड्राई सोल्ड हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। ये टच की लाइनें होती हैं, मोसी मिसो क्लॉक SPI प्रोटोकॉल होता है जिसमें एक लाइन हमारी यहाँ पर कोई भी GR नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो CPU में हीट जाने के कारण CPU ड्राई सोल्ड हो जाता है और आउटसाइड ये अपनी GR अपना वैल्यू नहीं निकालता है, जिस कारण टच भी काम नहीं करेगा। और अभी यहाँ पर लाइट सेक्शन में काम करने की वजह से CPU में हीट चला गई है और जिस कारण ये अंदर से कॉल है इसकी आपस में मिल जाती है, तो ये सेट हमारा भी डेड हो चुका है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली CPU रिमूव करेंगे और CPU रिमूव करके रिवॉल्व करके लगाएंगे। तो सबसे पहले
पीसीबी को फोल्डर में फिट कर लेंगे अच्छे से, और पास में कोई ग्लू इस हैंडसेट में ज़्यादा होता नहीं है, बट फिर भी हम इसमें साइड ग्लू पहले कट करेंगे। तो साइड ग्लू कट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर साइड ग्लू कट करने के लिए हीट 250 और एयर दो मैंने रखी है 857 DW प्लस, और इस तरह का हैंडल यूज कर सकते हैं आप। साइड ग्लू कट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पास के कंपोनेंट सीपीयू के साथ बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपको कस्टमर को थैंक यू वेरी मच करके मोबाइल देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर ग्लू कट कर लेते हैं, इस साइड का भी ग्लू कट कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पर डाल देता हूँ सीपीयू उठाने के लिए, तीन सौ पचास हीट और एयर 203, और इस तरह का हैंडल यूज करूंगा मैं। सीपीयू हमने निकाल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स मिक्स करेंगे इसमें, और बोर्ड अभी गर्म है तो नीचे बोर्ड को हम क्लीन कर लेंगे। और पीसीबी में सबसे पहले हमारा लेड मिक्स करेंगे, पीसीबी को घुमा घुमा कर चारों साइड से आपको अच्छे से क्लीन करना है। नियर बाय जो कंपोनेंट है वो मिसिंग या मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। डिसोल्डर वायर करेंगे, फर्स्ट हाफ ऊपर साइड का करेंगे, फिर पीसीबी को घुमा लेंगे इसे, और अब दूसरे साइड से क्लीन करेंगे।
कुछ ग्लू है उसको भी सीपीयू में से क्लीन कर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। ग्लू क्लीन करने के बाद थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे और फिर से एक बार डिसोल्डर वायर हम पूरा मदरबोर्ड पे घुमा देंगे। हाफ वन साइड से करेंगे क्लीन, उसके बाद फिर हाफ इस साइड से क्लीन करेंगे। चलिए पीसी भी हमारा क्लीन हो चुका है। उसके बाद सीपीयू क्लीन करेंगे। सबसे पहले फ्लक्स मिक्स करेंगे, फिर सोल्डर वायर इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा मेल्टिंग टेम्परेचर कम कर लेंगे इसका। डिसोल्डर वायर एक बार जितना है उतना ही निकालेंगे, ज्यादा निकालने की कोशिश नहीं करेंगे अदरवाइज सीपीयू डैमेज हो जाएगा। ग्लू रिमूव करेंगे अभी। Thank you.
Try.
सेंटीमीटर का। पहले वैल्यू नहीं आ रही थी, अभी 400 के आसपास जी आर आ रहा है, और यहाँ पे भी 425, यहाँ पे भी 430, और यहाँ पे भी 400 के आसपास, मतलब टच की सप्लाई हमारी सही है। तो एक बार देखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है, 1.8 का, यहाँ पे 1.8 मिली एम्पियर्स यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। और अभी यहाँ पर परसेंटेज चेक करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम था सीपीयू से था, देख सकते हैं 13 यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एक बार ऑन कर लेंगे, 13% चार्ज है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडसेट हमारा अभी ऑन हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम आता है और प्रॉपर हैंड स्किल ना होने के कारण सीपीयू में हीट चला जाती है और हमारा हैंडसेट डेड हो जाता है। तो अगर प्रॉपर हैंड स्किल अगर आपके पास है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमने बताने की कोशिश की आपको, पूरा वीडियो आप देखिए, एक सैमसंग का सीपीयू कैसे निकाल के रिबॉल करके लगाया जाता है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एयर और हीट के थ्रू मैंने बताया है। SMD जो यूज़ की है 857DW+। बाकी फॉल्ट फाइंडिंग या आप हैंड स्किल का काम सीखना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेस है, डिस्प्ले पे नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये CPU निकाल के लगाए हैं तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेगा, सेकेंड लोगो आ चुका है। ऑनलाइन हमारा क्लास है 5 नवंबर से, और दिवाली ऑफर है, ओनली 499 फीस रखी गई है। 6 मंथ का आपको वीडियो एप्लीकेशन फ्री मिलेगा प्ले स्टोर में, और 1 ईयर का व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस सारा कुछ, फॉल्ट फाइंडिंग, स्केमेटिक, डेड, शॉर्टिंग, लीकेज, नेटवर्क, सारे सेक्शन को कवर किया गया है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं हैंडसेट हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।